कोरोना वायरस की दहशत के साथ में पूरे राजस्थान में इस वक्त लॉकडाउन है, जनता कर्फ्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है, उसका असर भी है। और इस वक्त मैं गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के बाहर हूँ, वहाँ की आपको मैं एक तस्वीर। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहाँ है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। ये तस्वीर यहाँ की देखिए, हमारे मीडिया के जो साथी हैं अभिजीत दवे हैं, IIWJ के जो जिला अध्यक्ष हैं, वो इस वक्त देखिए यहाँ पर मास्क वितरित करने यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर तमाम जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं, ये तमाम वो लोग हैं जिनके यहाँ पर किसी प्रकार से अभी तक मास्क नहीं पहुँचा था, इनके पास सैनिटाइज़र नहीं पहुँचा था। लेकिन अब मीडिया की ओर से जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं अभिजीत दवे, वो इस वक्त यहाँ पर मास्क वितरित करने के लोगों के बीच में आए हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरीके से यहाँ पर वितरित किया गया। ये तमाम गवर्नमेंट कॉलेज के पास में झुग्गी झोपड़ी रखकर रह रहे थे लोग, यहाँ पर इनको वितरित किया गया है। ये सैनिटाइज़र है, देखिए इनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि कैसे ये सबसे पहले बताइए कि मीडिया में होते हुए आप लोग अपनी ड्यूटी को निभाते हुए आज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या चीज़ किस तरीके से देखभाल किया जाए। देखिए, इसमें कोई मीडिया का या पुलिस का या किसी एजेंसी का होना ज़रूरी नहीं है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको अवेयरनेस बढ़ानी है, और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, ये अनलिमिटेड बाउंड्रीज हैं, आप जहाँ भी जा सकते हैं। हम अभी लगातार सुबह से आज रिपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से जनता कर्फ्यू में लोग सहभागिता निभा रहे हैं, ये एक ऐसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जहाँ पर अभी तक न तो अवेयरनेस पहुँची है, न वो संसाधन पहुँचे हैं जिससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। देखिएगा, आप ये लगातार एक समूह में हैं, और समूह में होना ही इस कोरोना वायरस का सबसे बड़ा खतरा है कि समूह में आपको नहीं होना है। अगर आप समूह में हैं तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन के साथ, प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ होना है। तो इसीलिए कुछ मेरे मित्र हैं जो मेडिकल स्टोर चलाते हैं, मैंने उनसे ये कॉल किया था कि आप निकलें और आपके पास जो भी सरप्लस आइटम है उसको आप एक नोबल कॉज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ऐसे लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ये लोग भी प्रोटेक्ट हो सके। क्योंकि आप देखिए, जनता कर्फ्यू में सब लोग अपने घरों में कैद हैं, लेकिन इनके पास सर छुपाने के लिए भी वो प्रॉपर जगह नहीं है। तो ऐसे हालातों में ये बेहद ज़रूरी हो जाता है एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, एक मानवता और इंसानियत के नाम पे, कि इन लोगों को भी वो समुचित सुविधाएं और समुचित मेडिकल असिस्टेंस मिल सके, जिसके चलते ये इस संक्रमण से अपने आप को महफूज और बचा सके। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। भार्गव मेडिकल्स के कुछ मेरे साथी मौजूद हैं, और मैं खुद यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अपने रिपोर्टिंग के काम को छोड़कर यहाँ पर पहुँचा हूँ, ताकि एक अच्छा काम करने में हम भी सहभागी बन सके। तो बिल्कुल, ये हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं, वो अभिजीत दवे, वो यहाँ पर अपने टीम के साथ आकर यहाँ पर उन्होंने मास्क वितरित किया है। ये तमाम वो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज के निकट रहते हैं। ये देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज ये है, इनके लिए खाने की व्यवस्था का एक बड़ा सवाल है। इन लोगों का कहना है कि इनके लिए खाने की व्यवस्था की जाए। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बैठक की थी, उस बैठक के अंदर ये स्पष्ट दिशा निर्देश दिए थे कि ऐसे लोगों के लिए जो खाने की सामग्री है, खाने की जो पैकेट हैं, वो इन तक पहुंचाए जाएं। और ऐसी इन लोगों की भी ये मांग है कि यहाँ पर इनके लिए खाने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि इस समय लॉकडाउन पूरे राजस्थान के अंदर है, और ये लोग चाहते हैं कि इनके जैसे जो बाकी के लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर खाने की व्यवस्था की जाए। इनके लिए बराबर सुबह, शाम और दोपहर 3 टाइम का जो खाना है उसके पैकेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। और जैसा हमने आपको दिखाया है कि हमारे जो साथी हैं किस तरीके से यहाँ पर मास्क इन बच्चों को वितरित कर रहे हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं उनको यहाँ पर वितरित कर रहे हैं। सभी अपनी अपनी तरीके से पूरी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, आप भी जिम्मेदारी को निभाइए और अपने घर पर ही रहिए। नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।